नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव होना है और आपको ये भी पता है कि ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में अभी सीटों की गुत्थी सुलझ पाई है, लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जेडीयू ने दावा किया है कि महागठबंधन की मुश्किलें यानी कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें राजद और कांग्रेस मिलकर बढ़ाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद और कांग्रेस के बीच में इन दिनों दूरियां बढ़ी है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राजीव रंजन, सबसे पहले आप उनको सुनिए। राजद और कांग्रेस की दूरियां बढ़ रही है। पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से मना किया और अब सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई पहल होती हुई नहीं दिख रही है। राजद के लिए भी असमंजस की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पार्टी के बाद जिस तरह से आरएलएसपी और वीआईपी के भी तेवर बहुत नरम नहीं है, कांग्रेस का ये जो ताजा रुख है उससे आरजेडी के लिए कठिनाइयां और बढ़ रही हैं और अंत में जनता का मूड वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के प्रति नकारात्मक है और इसीलिए एक बड़ी हार की स्थिति उनके लिए विधानसभा चुनाव में बनती हुई दिख रही है। तो सुना आपने, राजीव रंजन ने कहा कि राजद और कांग्रेस की दूरियां बढ़ गई हैं। सबसे पहले राजद के तेजस्वी को कांग्रेस ने महागठबंधन का नेता मानने से इनकार किया, तो वहीं अब सीटों का मसला भी सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस पर हमारे संवाददाता आलोक ने भाई वीरेंद्र से बातचीत की, तो राजद के भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी कांग्रेस में जो दूरियां बढ़ रही हैं उससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। दूरियां बढ़ रही हैं क्या चुनाव से पहले? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो अभी तक सीटों को लेकर के कुछ बातें हो रही है। आप जो लोग बयान दिए हैं, एनडीए के लोगों से पूछिए कि आपका सीट का बंटवारा हुआ क्या? अगर हो गया है तो हमको बताएं आपके माध्यम से, फिर बता दीजिएगा। तो फिर आप कहीं भी किसी भी दल का, चाहे वो महागठबंधन का हो या एनडीए का हो, फाइनली किसी का नहीं हुआ है। अभी एक्सरसाइज चल रहा है, सीटी का एक्सरसाइज चल रहा है और इस बार महागठबंधन जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी। की जब बातें होती है तो क्या सभी जाति के लोगों को आप लोग तरजीह देने जा? निश्चित, हम सभी जाति के लोगों को, और जो लोग हमारे साथ नहीं थे वो जुड़ रहे हैं और उनका वोट भी इस बार मिलेगा। सभी जाति और धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी चुनाव से पहले जैसी स्थितियाँ? नहीं नहीं, तेजस्वी यादव से ही लोग घबरा गए हैं। जितने भी बिहार के जुआ हैं, जिस जाति बिरादरी के हों, वो सब जुआ जुड़ रहे हैं तेजस्वी जी से, और सबके मन में है कि अगर जुआ मुख्यमंत्री होगा तो हमारे लिए कुछ काम करेगा। इसलिए घबराहट में ये सब बयान जदयू और बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग दे रहे हैं और इनका ऐसे ही बयान होता ही रहता है। देखिए, कुल मिलाकर आरजेडी और कांग्रेस में सब ठीक है। चुनाव से पहले बड़ा चैलेंज भाई वीरेंद्र ने किया है कि आप अपने सीटों का ऐलान कीजिए, हम भी तैयार हैं पूरी तरीके से, कोई मतभेद नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।